जयपुर में नियमों के विपरीत चल रहे कोचिंग सेंटर पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुजर हर कोचिंग सेंटर जा रही है, वहां पर देख रही है कि छात्र किस हालत में पढ़ रहे हैं, क्या सुरक्षा के नियम कायदे पालन किए जा रहे हैं या नहीं। ये यहाँ पर देखिए फायर वगैरह का सब कुछ चेक कर रही है। यहाँ पर कलाम कोचिंग सेंटर में है, एक क्लास में 500 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, उमस तपिश के कारण और माहौल क्या होगा समझा जा सकता है। तो हम स्मोक डिटेक्टर कहीं कक्षा में नहीं है, तो वहाँ अगर आग क्लास में लग गई तो यानी बाहर तक तो धुआं बहुत लेट आएगा, तब तक तो बच्चों का दम घुट चुका होता। आपने मैम हाँ फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो कार्रवाई है वो करिए। यहाँ ने कोचिंग सेंटर का आपने दौरा किया और क्या आपने स्थिति पाई है कोचिंग सेंटर की जो जयपुर में चल रहे हैं, क्योंकि ये फीस तो बहुत ज़्यादा वसूलते हैं। देखिए लगातार बात फीस की नहीं है, बात ये है बच्चों के भविष्य के साथ में है, बच्चों की सुरक्षा के लिए है। जो कोचिंग संस्थान लगातार पहला पेज दूसरा पेज तीसरे पेज पर बड़े बड़े विज्ञापन दे सकते हैं, तो उनको बच्चों की सुरक्षा के लिए बच्चों की सुरक्षा की ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। 700 कक्षा का कक्षा रूम है, उसमें एग्जिट द्वार नहीं है, वहाँ फायर के उपकरण ऊपर लगे हुए नहीं है, यानी अगर आग भी लगती है धुआं भी होता है शॉर्ट सर्किट होता है तो वो कैसे बच्चे बाहर निकलेंगे, कैसे सूचना मिलेगी, काफ़ी इस तरह की जो है चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई भी परमिशन तक ढंग से नहीं होगी शायद। फायर वगैरह का आपने भी देखा, देखिए आपने परमिशन का देखा आपने कागज? हाँ मैम परमिशन का वो कह रहे हैं दे रहे हैं अभी। नहीं फायर का नहीं, दूसरा अभी बिल्डिंग परमिशन भी है या नहीं? बिल्डिंग परमिशन भी नहीं है, नहीं है दिया नहीं। कहाँ जनार्दन जी का है या जोन की डीसी का है, सीता जी का है? तो स्टूडेंट से बात की, स्टूडेंट को क्या समझाने की कोशिश की आपने? स्टूडेंट को क्या समझाने की कोशिश की? देखिए स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि जिस भी कोचिंग में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो कम से कम वहाँ आप अपने सुरक्षा के इंतजाम तो चेक कर लीजिए, और वैसे कोचिंग संस्थानों के बाहर भी अब लिखना आवश्यक होगा, कोचिंग संस्थानों के बाहर भी लिखना आवश्यक होगा कि वहाँ फायर की परमिशन है या नहीं है। जहाँ फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंग जितनी संख्या के साथ में फायर सेफ्टी उपकरण होने चाहिए उसके बाहर ऐसे संस्थानों के अंदर लिखना आवश्यक हो जाएगा। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन और इस तरह के एग्जिट द्वार सुरक्षा मापदंड पूरे है या नहीं है, एक तरह की चेकलिस्ट हम अब देंगे जिस चेकलिस्ट को उनको बाहर लगाना आवश्यक होगा। जो भी बच्चा एडमिशन के लिए आएगा उसको पता होना चाहिए कि यहाँ किस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, वहाँ उनकी सुरक्षा के इंतजाम पूरे है या नहीं है। और बच्चों से भी मैंने कहा, बच्चों से भी मैंने कहा कि आपके अभिभावक आप नगर निगम के आप नंबर लीजिए, जो भी बिल्डिंग आपको लगता है कि सुरक्षा के इंतजाम जिसमें पूरे नहीं है या बिल्डिंग गिरने वाली है जीर्ण शीर्ण है या किसी भी तरह की दुर्घटना जहां हो सकती है, ऐसी बिल्डिंग्स की आप शिकायत जो है ऐसे संस्थानों की शिकायत। यह है जयपुर नगर निगम की मेयर सौम्या गुजर, ये कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और जिस कोचिंग सेंटर पर आज इन्होंने दबिश दी है उसका बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये कोचिंग सेंटर है, कलाम कोचिंग सेंटर इसका नाम है। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही थी। यहाँ देखिए निकलने का एक ही रास्ता, पूरे को इस तरह से जाली से लगा दिया गया है कि यदि कल कोई अप्रत्याशित घटना होती है, हादसा होता है, तो बच्चों के लिए बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। एक क्लास में 500 से 600 बच्चे, 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में पिछले महीने तक तापमान था, कैसे बच्चे बैठते होंगे, जबकि इनसे भारी भरकम फीस वसूली जाती है। कैसे बैठते होंगे भाई अंदर आप लोग? ये देखिए ये स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, तो सब हैं क्योंकि इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, शायद ये बच्चों को यहाँ से निकाल रहे हैं। कोचिंग सेंटर की छुट्टी भी कर दी गई है, तो ये सभी बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ने आए थे इस उम्मीद में कि शायद सुरक्षित तरीके से उनकी भविष्य का निर्माण होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अनियमितताएँ मिली है शायद वह कई सवाल भी उठा रही है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि आज तो मेयर आ गई इन कोचिंग सेंटर में, क्या इसके बाद कोई कार्रवाई हो पाती है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर रसूखदार लोग चलाते हैं और कितना असर अब नज़र आता है इस पर सबकी निगाहें रहेगी। फिलहाल तो ऐसे कई और कोचिंग सेंटर रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर में हैं, उन सब पर एक एक कर दबिश दी जा रही है, पता लगाया जा रहा है क्या अनुमति है उनके पास, सुरक्षा के क्या मापदंड यहाँ पर तय कर रखे हैं, क्या उनका पालन हो रहा है या नहीं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।